known as primary structure, उसमें एक ही बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड। ओके, और हमें पता है कि जो भी प्रोटीन बनता है बाय फॉर्मेशन ऑफ एन पेप्टाइड बॉन्ड, दो एंड होते हैं, एक होता सी एंड टर्मिनल और दूसरा होता है सी टर्मिनल। अंडरस्टूड? तो जो भी पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, उसमें एंड टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल होता है, एंड व्हिच इज हैविंग अ ओनली वन बॉन्ड इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। और कुछ भी इसमें नहीं होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ वेरी सिंपल वन व्हिच इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन बाय मींस ऑफ एन ओनली वन बॉन्ड पेप्टाइड। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो होता है व्हिच इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है व्हिच इज अ समवॉट कॉम्प्लेक्स देन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, लेकिन वो बनता किस में से? फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? आप देखिए जो जानता है प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के क्वार्टरनरी, यहां पर क्या होगा कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वो किस में से बनेगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर में से बनेगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर वो किस में से बनेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में से बनेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो किस में से बनेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, अंडरस्टूड, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो पहले अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें से टर्शियरी बनेगा, उसमें से क्या होगा? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ऐसे जो अलग अलग स्ट्रक्चर है वो अंडरस्टूड? ओके, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है इट इज फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसी में से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। अंडरस्टूड? सो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है दे आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, अलग अलग दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। ओके, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटलेट शीट। एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटलेट शीट। अब ये जो अल्फा हेलिक्स है अल्फा हेलिक्स कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म फ्रॉम ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड से बनेगा। ओके, एक ही पॉलीपेप्टाइड, ये जो पॉलीपेप्टाइड है उसी में से अल्फा हेलिक्स वो बन जाएगा। सो अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चर इन व्हिच ओनली वन पॉलीपेप्टाइड इज पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा हेलिक्स। हाउ दिस अल्फा हेलिक्स विल फॉर्म? एक ही पॉलीपेप्टाइड है उसमें क्या हो जाता है? इस तरह से कोइलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? कोइलिंग हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोइलिंग इट विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर और हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा दिख रहा है? हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह से कोइलिंग हो जाता है। अंडरस्टूड? एक ही पॉलीपेप्टाइड है, एक ये वो एन टर्मिनल है, एक ये वो सी टर्मिनल है, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड में क्या होगा कि दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये जो कोइलिंग है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये किसकी वजह से बनता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट अमाइनो एसिड। अंडरस्टूड? यहां पर देखिए अमाइनो एसिड का क्या होगा? सी OOH ग्रुप होगा ना, तो COO का जो ऑक्सीजन होता है ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर सपोज ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है और यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड है? फोर्थ अमाइनो एसिड। फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में यहाँ पर क्या होगा? NH। तो ये जो H एंड N है COO का ऑक्सीजन है, NH का हाइड्रोजन, उसके बीच में क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टूड? सी डबल बॉन्ड ओ है उसका ऑक्सीजन, एंड एन एच है उसका जो हाइड्रोजन है, उसके बीच में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। दिस बॉन्ड इज नोन एज एन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यहां पर ड्यूरिंग एन फॉर्मेशन ऑफ एन सेकेंडरी स्ट्रक्चर और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दिस इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टोटल कितने बॉन्ड हो जाते हैं? दो बॉन्ड हो जाते हैं। एक तो पहला तो है कि देयर इज एन पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा? देयर इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड एवरी फोर्थ अमाइनो
एसिड दी पॉलीपेप्टाइड में कोई कोई हो जाती है उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर हमको फॉर्म कर लेता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एन अल्फा हेलिक्स अंडरस्टूड ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर इज इतनी ज्यादा कोइलिंग हो जाने के कारण थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा अंडरस्टूड एज वेल एज दिस यहां पर देखिए ये दोनों जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं दे आर एंटी पैरेलल विद ईच अदर एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि यहां पर अगर एन टर्मिनल आना तो यहां पर क्या है सी टर्मिनल आएगा अंडरस्टूड तो यहां पर से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज एन एंटी पैरेलल ये याद रखना एंटी पैरेलल दूसरी बार अगर हम यहां पर बीटा प्लेटलेट शीट की बात करें व्हिच इज आल्सो अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये भी एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है लेकिन यहां पर क्या होगा कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन हो अंडरस्टूड द बीटा प्लेटलेट शीट इज फॉर्मड बाय मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स ओके तो यहां पर अगर हम दो पॉलीपेप्टाइड ले लेते हैं ये क्या है दो पॉलीपेप्टाइड वन इज एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल एंड सेकंड वन दैट इज आल्सो एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल ये दो अलग-अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बीच में क्या हो जाता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड ओके तो यहां पर देखिए एक ही पॉलीपेप्टाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इट्स फॉर्मिंग एन हेलिकल स्ट्रक्चर तो उसको बोलेंगे अल्फा हेलिक्स तो अलग-अलग पॉलीपेप्टाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है एक शीट जैसा जैसे जिगजैग जो शीट होती है ना उस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिगजैग जो शीट होती है इस तरह तो ऐसी zigzag जो शीट होती है उस तरह का स्ट्रक्चर बनता है अंडरस्टूड तो इसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट दो अलग-अलग हाइड्रोजन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर भी दो की बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक तो पेप्टाइड बॉन्ड पहले से ही था यहां पर हमारे मैसेंजर जुड़ रहे थे तो दूसरा ही हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ अंडरस्टूड अब ये जो बीटा प्लेटेड शीट है वो दो तरह से फॉर्म हो सकती है एक तो पैरेलल हो सकती है जैसा मैंने यहां पर दिखाया है पैरेलल यानी कि जो अलग-अलग पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेट कर रही है ये प्रोटीन या तो बीटा प्लेटेड शीट बनाने में वो दोनों ही पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी डायरेक्शन एक ही होगी दे आर इन वन डायरेक्शन यानी कि यहां पर देखिए एन टर्मिनल एन टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में सी टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में तो इस तरह का जो बीटा प्लेटेड शीट बनता है इज नोन एज पैरेलल दूसरा कुछ इस तरह का होगा यहां पर एन टर्मिनल होगा तो सामने सी टर्मिनल होगा यहां पर सी टर्मिनल होगा तो सामने एन टर्मिनल होगा तो यहां पर देखिए ये पॉलीपेप्टाइड और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड है उसकी जो डायरेक्शन है दोनों की वो अलग-अलग है यहां पर एन टर्मिनल है उसकी डायरेक्शन सामने कौन सी है सी टर्मिनल है सी टर्मिनल के सामने एन टर्मिनल आ रहा है दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये जो बीटा प्लेटेड शीट बन रही है दिस बीटा प्लेटेड शीट इज नोन एज एन एंटी पैरेलल अंडरस्टूड और अगर हम दोनों की बात करें अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड बीटा प्लेटेड शीट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स इज समवॉट कॉम्प्लेक्स देन द बीटा प्लेटेड बीटा प्लेटेड शीट वो थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर हो जाता है अल्फा हेलिक्स वो थोड़ा सा हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अंडरस्टूड यहां पर अल्फा हेलिक्स जो होता है वो एंटी पैरेलल ही होता है लेकिन बीटा प्लेटेड शीट दो तरह के हो सकते हैं पैरेलल भी हो सकते हैं एंड एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं क्लियर अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एन प्रोटीन अंडरस्टूड सेकेंडरी स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्मड फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर में से ही बनेगा लेकिन अलग-अलग स्ट्रक्चर बनाने के कारण अलग-अलग फॉर्म हो जाने के कारण दे आर डिवाइडेड इन टू टाइप अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट
जो बाल में होता है केराटिन प्रोटीन, नेल में भी होता है केराटिन प्रोटीन. सो जनरली दिस केराटिन प्रोटीन इज हैविंग अ हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. इसलिए जिस किसी के बाल में केराटिन प्रोटीन ज्यादा होता है, क्या करना है, जिस किसी के भी बालों में केराटिन प्रोटीन ज्यादा होता है उसके जो हेयर होते हैं कर्ली ज्यादा होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर ज्यादा होता है ना, तो हेयर कैसे हो जाएंगे, कर्ली हो जाएंगे, लाइक मी. ओके नाउ बीटा ब्लॉकर जो शीट है उसके अगर एग्जांपल देखें तो सिल्क प्रोटीन जो होता है, सिल्क प्रोटीन कैसे थ्रेड जैसे होता है, लंबी चेन थ्रेड, सो सिल्क प्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ एन बीटा ब्लॉकर शीट. उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं सिल्क प्रोटीन का वो कौन सा होता है, बीटा ब्लॉकर शीट. ओके द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज एन टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म प्रोटीन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दोनों में से एक बनेगा. तो इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर होता है ओके, तो इस तरह का आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है यहाँ पर. ओके एक होगा वो एंड टर्मिनल होगा और दूसरा होगा वो सी टर्मिनल. टर्शियरी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड का बनेगा. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर को इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं. अंडरस्टूड. तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर. हाउ इट बिकम्स अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से तो देखने से हमें पता चल ही रहा है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर बनाता कौन है, अलग अलग बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे यहाँ पर, तो इतने सारे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाने के कारण जो स्ट्रक्चर है वो कुछ गुच्छे जैसा दिखेगा. अंडरस्टूड. आपके पास बड़ा सा थ्रेड है और आपने थ्रेड को ऐसे 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 जोड़ दिया, एक गुच्छा बन गया ना, तो गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर है वो बनता है यहाँ पर. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर इतने सारे एक्स्ट्रा जो बॉन्ड होते हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन टर्शियरी स्ट्रक्चर. ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बिकॉज ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ बॉन्ड. एक तो होगा पेप्टाइड बॉन्ड जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता ही है. ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विच इज फाउंड इन द प्रोटीन, ये याद रखना. स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ एन प्रोटीन इज एन पेप्टाइड बॉन्ड. दूसरा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा. अंडरस्टूड. हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है. तीसरा जो होता है इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड. डाइसल्फाइड होता है विच इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. पहला स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड प्रोटीन में कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड. एंड सेकंड वन दूसरा नंबर किसका आता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का, याद रखना. ओके नेक्स्ट बॉन्ड दैट इज एन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. Then van der Waals bond. And last bond that is an ionic bond. Okay, तो यहाँ पर extra bond कौन कौन से होंगे, peptide bond, hydrogen bond तो पहले से ही primary secondary structure में था. अब एक्स्ट्रा देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, वैन डर वाल्स बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है. तो ये अलग अलग एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन हुए बिटवीन द अमाइनो एसिड. अंडरस्टूड. अलग अलग अमाइनो एसिड में ये सारे बॉन्ड फॉर्म होने के कारण जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो बना देता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है. अंडरस्टूड. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एन प्रोटीन. कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर. एक बात ध्यान में रखनी है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में कितनी पॉलीपेप्टाइड होती है, ओनली वन पॉलीपेप्टाइड इज देयर. अंडरस्टूड. ओके सो दिस इज अबाउट एन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एन प्रोटीन. ओके नाउ द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर इज गिवन इन योर बुक दैट इज देन
myoglobin. Generally, myoglobin is a protein which is found in the muscles. Myoglobin जो protein होता है, इसमें होता है हमारे muscles में present होता है. Okay? Next one, that is the quaternary structure of a protein. Obviously, quaternary structure वो सबसे ज्यादा complex होगा. Answer for बनेगा भी इसमें से ये तीन structure, primary, secondary, tertiary structure में से ही बनेगा. Generally, quaternary structure किसमें से बनता है? Tertiary structure में से ही बनता है. उसके अगले वाला होता है, सभी में ऐसा होता है. Secondary structure उसके अगले वाला है, primary में से बनेगा. Tertiary structure secondary structure में से बनेगा. Quaternary structure वो tertiary structure में से बनेगा. Understood? तो यहाँ पर देखिए, ये सब हमारे पास एक tertiary structure है. दूसरा इस तरह से अलग अलग tertiary structure होता है. वो एक दूसरे का साथ जॉइंट होने के कारण एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है. तो यहाँ पर देखिए, ये वाला एक पॉलीपेप्टाइड चेन है व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अ टर्शियरी स्ट्रक्चर. ये वाला भी अलग पेप्टाइड चेन है व्हिच इज इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो अलग अलग पेप्टाइड चेन पॉलीपेप्टाइड्स है, दे आर इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर. दे जॉइन विद ईच अदर, ये क्या बना देता है, एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाते हैं और जो स्ट्रक्चर बना देता है व्हिच इज नोन एज एन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को ज्यादा सब यूनिट का बना होगा और एक सब यूनिट है वो एक पॉलीपेप्टाइड की बनी होगी इन द फॉर्म ऑफ एन टर्शियरी स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड? एक पॉलीपेप्टाइड है व्हिच इज इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर, दूसरी पॉलीपेप्टाइड है व्हिच इज इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो अलग-अलग पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली जुड़ जाती है एक दूसरे के साथ और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, दिस इज नोन एज अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज ऑफ अ हीमोग्लोबिन. बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दैट इज अ हीमोग्लोबिन. यहां पर हीमोग्लोबिन जनरली हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है ना, ब्लड हमने पढ़ा था ब्लड. सो जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर. और जनरली इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना. अंडरस्टूड? तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज मेड अप ऑफ एन प्रोटीन ग्लोबुलिन प्रोटीन. और ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है चार सब यूनिट का बना होता है, चार सब यूनिट का बना होता है. दो अल्फा सब यूनिट होता है और दो बीटा सब यूनिट होता है. दो अल्फा सब यूनिट एंड दो बीटा सब यूनिट. अंडरस्टूड? सो ईच अल्फा एंड बीटा सब यूनिट आर इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर. They join with each other and form the hemoglobin, which is known as a quaternary structure of a protein. Understood? Okay. तो ये सबसे ज़्यादा complex हो जाता है quaternary structure. तो अलग-अलग protein वो अलग-अलग structure में activity show करेंगे. कोई protein होगा जो primary structure पे activity show करेगा, कोई protein होगा जो अपनी secondary structure पर अपनी activity show करता है, कोई protein होगा tertiary structure जब अटैक होगा तभी वो active हो पाएगा. कोई जो प्रोटीन होगा जैसे हीमोग्लोबिन में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना लेता तभी वो एक्टिव हो पाएगा, तभी वो अपना काम वो कर पाएगा. अंडरस्टूड? सो दीस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एन स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एन प्रोटीन. अंडरस्टूड? जो कि अलग-अलग बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण अलग-अलग स्ट्रक्चर बनता है. अंडरस्टूड? क्लियर अबाउट एन प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उसमें स्पेसिफिकली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं ये स्पेसिफिकली आपको देख लेना है. अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू.